हेलो फ्रेंड्स, यलगार हो तो भाई, आखिरकार इस बंदे ने टिकटॉक की नौकरी खा ही ली। वो अलग बात है कि हमेशा की तरह इस बात का श्रेय भी हमारे महान नेता लोग ले जाएंगे, पर इस बात का श्रेय हमारे सोनम वांगचुक को भी जाता है, जिन्होंने पूरी तरह से इस मुद्दे को एस्केलेट किया। और अभी तो टिकटॉक की हालत कुछ ऐसी है मेरे दोस्त। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। पर हमारे जैसे लोगों के लिए तो हमेशा से टिकटॉक कुछ ऐसा था। मेरे बारे में इतना मत सोचो, ना मैं दिल में आता ना मैं समझ में आता। अरे भाई, समझ में आओगी भी कैसे, तुम्हें तो बात बात में फालतू का मुजरा करने की आदत जो है। ये टिकटॉक 130 मिलियन लोगों का मुजरा कर हो गया था यारो, यकीन नहीं तो इन्हें ही देख लो। अरे बुबू भाई। हाँ भाई। सच्चा प्यार क्या होता है? एक तरफा। अबे चपरखन आती, अगर एक तरफा प्यार ही सच्चा प्यार होता है तो लैला मजनू, हीर रांझा, श्री फरहाद और रोमियो जूलियट का जिंदगी भर घी में तेल डालते रह गए। और एक ये है हमारी प्यारी आंटी। क्या कर रही हो? सब्जी बनाने। नहीं बनेगी सब्जी, पोहे बनेंगे। क्या बनेंगे? पोहे। पोहे निकाल। इन्होंने इतने पोहे बनवाए कि भैया खा खा कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ना सही, लिम्का बुक में तो नाम आपका जरूरी दर्ज हो जाएगा। और ये देखो इनका तांडव, साला लगता है जैसे दिल्ली NCR में पिछले 2 महीने में जितने भूकंप के झटके आए हैं ना, उसका रीजन अर्थक्वेक नहीं बल्कि ये आंटी का तांडव है। और आखिर में आते हैं ये लोग। मतलब पल भर में वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात भी बदल दिए। साला ये है क्या भाई? इनको देख देख कर तो सारे बॉयफ्रेंड्स की हालत ही खराब है भाई, और वो जगह जगह अपनी गर्लफ्रेंड्स का मेकअप चेक करते फिर रहे हैं। कुछ तो तरस खाओ भगवान के लिए, या खुदा उठा ले। अरे इन लोगों को ना सही, इनके अक्ल पे पड़े हुए पत्थर को तो उठा ले खुदा। एक कहावत है ना, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। वैसे ही टिकटॉक वालों के लिए सारे नशे एक तरफ और टिकटॉक पे झूठ मूठ की एक्टिंग करने का नशा एक तरफ। आखिरकार गवर्नमेंट भी कितनी बर्दाश्त करती, और तंग आकर चाइना की स्पाइंग से परेशान होकर, टिकटॉक के डाटा थेप से परेशान होकर सरकार ने टिकटॉक को बैन कर ही डाला। अब थोड़ा सुकून आएगा मुझे। पर बैन से सबसे ज्यादा दुखी जो व्यक्ति है वो है ये। अरे नहीं नहीं, ये नहीं भाई, ये दोनों। अरे नहीं, ये भी नहीं, ये। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। इस बैन से सबसे ज्यादा दुखी आदमी है केविन मेयर। जी हाँ भाई साहब, डिज्नी प्लस के चेयरमैन हुआ करते थे, और अभी पिछले महीने ही उन्होंने डिज्नी प्लस को छोड़कर टिकटॉक का CEO का पोस्ट ज्वाइन किया था। अब आप ही सोचो, जहाँ डिज्नी प्लस हॉटस्टार अगले कुछ महीनों में सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा, जो 24 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है, अक्षय कुमार की लक्ष्मी बम, अजय देवगन की भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, अभिषेक बच्चन की बिग बुल, आलिया भट्ट की सड़क 2, कुणाल खेमू की लूट केस और विद्युत जम्वाल की खुदा हाफिज रिलीज करने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ टिकटॉक का हाल तो आपको पता ही है, बेचारा केविन मेयर, उसकी हाल तो वही हो गई, धोबी का कुत्ता, ना टिकटॉक का ना डिज्नी प्लस का। टिकटॉक चाइना में सितंबर 2016 में डूइन के नाम से लॉन्च हुआ था। आगे चलकर इसने म्यूजिकली को 2017 में खरीद लिया और इसका नाम टिकटॉक रखा गया। इस पर लगे बैन से चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इतने ज्यादा परेशान हैं कि वे सिचुएशन को खुद ही हैंडल कर रहे हैं और सिचुएशन को वेरीफाई करने की बातें कर रहे हैं। और यही नहीं, वो भारत पर चाइनीज कंपनी के हक को मारने का आरोप लगा रहे हैं। अब ये कपटी नालायक झूठे, पहले अपने यहाँ पड़े विंगर मुस्लिम और हांगकांग के लोगों के हक की तो बात कर ले, उन्हें तो अपना हक दिला ले, फिर करना अपनी कंपनियों के हक की बात और भारत के द्वारा हक मारे जाने की बात। चाइना के विदेश मंत्री का इस तरह से छटपटाना ये साफ साफ प्रूव करता है कि ये ऐप भारत में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि डेटा थेफ्ट और स्पाइंग का काम भी कर रहे थे। टिकटॉक के साथ साथ भारत सरकार ने
कुल 59 ऐप्स को बंद किया है। इनमें से कुछ फेमस ऐप्स जो हमारे दिनचर्या में यूज होते थे और जिनके बिना काम चलाना मुश्किल है, उनकी और उनके रिप्लेसमेंट की बात आपको बता देते हैं। सबसे पहले यूसी ब्राउजर। यूसी ब्राउजर से ज्यादा बेहतर और फास्ट आप गूगल क्रोम या फायरफॉक्स का यूज कर सकते हैं। शेयर इट जो डेटा शेयर के लिए यूज होता था, उसके जगह आप सुपर बीम नाम के ऐप का यूज कर सकते हैं। टिकटॉक का रिप्लेसमेंट तो आप लोगों में से ज्यादातर ने ढूंढ ही लिया होगा। चिंगारी और मित्रो और ओपोसो। 360 सिक्योरिटीज की जगह आप बिट डिफेंडर यूज करें। मेकअप की जगह या ब्यूटीफाई की जगह आप B612 ब्यूटी एंड फिल्टर यूज करें, और वी चैट की जगह हमारा हाइक। अब भैया हम चलते हैं भगवान को प्रसाद चढ़ाने। इतने अच्छा खुशी का मौका जो उन्होंने दिया है, वरना दिन रात इन टिकटॉक के एक्टर्स की मेढक जैसे टर 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 सुन के तो हम बोर ही हो गए थे भाई। और जाते जाते एक और गुड न्यूज सुनाना चाहेंगे। भारत बायोटेक ने इंडिया में कोवैक्सीन के नाम से कोविड की दवा बना ली है और यह ह्यूमन ट्रायल स्टेज में चला गया है। भगवान से प्रार्थना करिए कि यह दवा जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो जाए और मार्केट में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। टिल देन बी सेफ बी हैप्पी। बाय बाय।